ओके सो आज का जो हमारा मेन जो लेक्चर होगा दैट विल बी द प्रॉब्लम्स, क्रिटिकल प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स अलजेब्रा, उसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले मेरे पास एक प्रॉब्लम है दिस वन में। अच्छा सो ये एक मेरे पास प्रॉब्लम है, इसको हम स्टडी करते हैं और देखते हैं कि अच्छा सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये जो है 3x² है ना, दैट्स पावर 2, दैट्स 3x² या फिर मैं इसको दैट्स इस तरफ से क्या देता हूँ 3x² और 2z². अच्छा ये प्रॉब्लम है। अब ओके द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, ठीक है एक्स वाई का कोएफिशिएंट जो है हमने बताना है, ठीक है। अब बताएं कि इनमें से यानी एक्स वाई का जो कोएफिशिएंट है वो कौन सा होगा, ठीक है। मैं कुछ ऑप्शंस दे देता हूँ आपके पास, ठीक है। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, ठीक है। मैं ऑप्शन दे देता हूँ, ऑप्शन ए, इनमें से कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई कौन सा है, एक्स वाई का कोएफिशिएंट। ऑप्शन ए इज 5, सॉरी आई एम सॉरी, ऑप्शन ए इज 3 एंड ऑप्शन बी इज ओके। ऑप्शन बी में क्या देख सकता हूँ, अच्छा हम ऐसा कर सकते हैं, चलें चलें इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। ओके ऑप्शन बी इज 2, सॉरी 7। ऑप्शन सी आपके पास है 9 एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दिस। अच्छा जी बताएं कि इनमें से क्या ऑप्शन होगा। मेरे पास एक क्वेश्चन है, द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, देखिए हमने पढ़ा है ये कोएफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। अब मैं कहता हूँ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इज इन दिस, ये एक्सप्रेशन है आपके पास ना, ये अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें आपको कोएफिशिएंट बताना है। अब इस तरह से सवाल आ सकते हैं आपके पास एग्जाम में, यानी एक्स वाई का कोएफिशिएंट बताना है, अपने अपने आंसर का इजहार करें। ओके 3, एक आंसर आया हमारे पास 3। ओके और बताएं, एक ऑप्शन हमारे पास आ गया है 3 का, कि भाई इसका आंसर जो आपके पास वो 3 है, तो आप और बताएं कि भाई इसका क्या आंसर आना चाहिए, कि इनमें से ऑप्शन 3 नहीं बोलें भाई ए बोलें, इना गुड वे इना माइंड वे, तो क्या ऑप्शन होगा इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। मैं कहता हूँ कि भाई एक्स वाई का जो कोएफिशिएंट है, आप सबसे पहले ये जो स्पाइडरमैन के नाम से आया है, पहले अपने सही नाम से आए स्पाइडरमैन वाले बंदे, भाई अपना एग्जैक्ट नाम लिख के आए, इस तरह से अनयूजुअल नेम ना लिखे। कौन है, कौन बुला रहा है, कौन पता नहीं कौन है, सुबन ही है। हाँ सुबन आया था ना, हाँ हाँ सर के साथ आया, मेरे साइकिल पे। अच्छा चले मैं आता बुला रहा। ओके सवाल ये था कि द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इन दिस वन क्या है, क्या कोएफिशिएंट होगा। कोएफिशिएंट तो वैसे आपको पता होगा, हमने पहले बताया भी था, या मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कोएफिशिएंट होता क्या है, फिर आप आंसर बता दीजिए, ठीक है। ओके कोएफिशिएंट क्या होता है, देखें कोएफिशिएंट किसी भी वेरिएबल के साथ वो चीज जो क्या हो, कांस्टेंट हो, वो चीज जो कांस्टेंट हो किसी भी अपना एक्सप्रेशन में, वो चीज जो कांस्टेंट हो किसी वेरिएबल के साथ उसे हम कोएफिशिएंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल 2x, 2x में आपके साथ 2 क्या है, कोएफिशिएंट है, ठीक है। 3y, 3y में आपके पास 3 जो है वो
कोएफिशिएंट, ठीक है, 4z, 4z में आपके पास 4 क्या है, कोएफिशिएंट है, क्योंकि z आपके पास वेरिएबल है, ठीक है। सो अच्छा जी बताएं, अब पिछले क्वेश्चन पे आए, देखें ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, इनको आपको अच्छे से जो है डील करना चाहिए, तो इनको समझना चाहिए। अब बताइएगा कि इसका कोएफिशिएंट क्या होगा इस टर्म में, इनमें आपने एक्स वाई का कोएफिशिएंट बताना है। ओके, एक आंसर हमारे पास आ गया है, ठीक है। ओके, ए यानी 3 होगा, चलें देखते हैं और कोशिश करें भाई क्या आ सकता है। और भी बताएं, भले तुक्का सुक्का मारें जैसे भी करें, कोई मसला नहीं है। ओके बताएं, एक ऑप्शन आया हमारे पास ए का, कि भाई 3 इज अ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई। अच्छा ओके वेरी गुड, एक और ऑप्शन आया है डी, मींस नन ऑफ दीज। वाह भाई तो कमाल हो गया, डी का ऑप्शन भी आ गया हमारे पास, सेविन पर्याल, सॉरी आई एम सॉरी, सेविन, ओके सेविन सेविन, ओके एक आंसर आया हमारे पास बी का, ए आया हमारे पास 3 का, और एक ऑप्शन आया हमारे पास डी का। भाई देखते हैं डी वाले स्टूडेंट ने क्या किया है, देखते हैं सही है गलत, वो तो आप पता चल जाएगा। ओके जी, सो अब मैं बता देता हूँ कि कौन सा सही है। अगर ए की बात करें तो वो गलत है, अगर बी की बात करें तो वो भी गलत है, अगर सी की बात करें तो वो भी गलत है, ठीक है। कहता हूँ कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, तो इसलिए ऑफिस वर्क है तो मसला हो जाता है, इस टाइम ऑफिस में रहता हूँ। सो अब देखें, सबसे पहले आपके पास है 3x² zy + 7xyz - 2z² x। अब देखिए बड़ी कमाल की चीज है, और ये प्रॉब्लम आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी और आपके काम भी आएगी आगे जाके। देखिए आपसे कोएफिशिएंट मांग रहा है एक्स वाई का, तो यानी आपने एक्स वाई का कोएफिशिएंट देखना है। देखें यहाँ पे क्या है 3x² zy, तो यहाँ पे एक्स वाई तो नहीं है आपके पास सिर्फ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आपके पास -2z² x, यहाँ पे भी आपके पास एक्स वाई नहीं है, तो बाकी आपके पास क्या बचा, ये वाली टर्म बची, क्योंकि सिर्फ इसी में है एक्स वाई। इस वाली टर्म को मैं दोबारा लिख लेता हूँ, इसी वाली टर्म को मैं दोबारा लिख लेता हूं, हाँ इस तरह से सेविन, देखें दूसरी इसी टर्म को मैं दोबारा लिख देता हूं, सेविन एक्स वाई और ये हो गया आपके पास जी, ये हो गया आपके पास जी। अच्छा जी, सो ये हो गया आपके पास सेविन एक्स वाई जी। अब बड़ी कमाल की चीज है कि देखें ये सेविन एक्स और वाई को अगर मैं लूं, आपके पास वो आपसे पूछ रहा है भाई एक्स वाई का कोएफिशिएंट बताना है आपने, तो एक्स वाई को सिर्फ पकड़ेंगे, एक्स वाई को पकड़ेंगे बाकी सबको छोड़ देंगे, एक्स वाई को पकड़ेंगे बाकी सबको छोड़ देंगे, यानी आपसे वो एक्स वाई का पूछ रहा है, क्योंकि अगर एक्स वाई की बात कर रहे हैं तो वेरिएबल तो सिर्फ एक्स वाई ही होंगे, इनको पकड़ के बाकी जो भी बचेगा, बाकी जो भी बचेगा, जो भी बचेगा हम उसे क्या कर लेंगे, बाहर निकाल देंगे। जो बचा आपके पास वो क्या बचा, सेविन एंड जी बचा, सेविन एंड जी बचा, तो सेविन जी जो होगा आपका इसका कोएफिशिएंट होगा, सेविन जी जो होगा वो आपका इसका कोएफिशिएंट होगा, ठीक है। अच्छा जी, सो ये हो गया आपका आंसर, जो के पिछलों में से किसी में भी नहीं है, ये देखें, यानी इन ऑप्शंस में से ना तो 3 था ना 7 था, हाँ अगर 7 के साथ में जी लगा देता फिर आपका आंसर जो है वो 7 बी हो जाता। सो नन ऑफ दिस इज द राइट ऑप्शन, और इसमें जो हम वेरिली हम देख सकते हैं किस तरह से चीजें चेंज हो रही होती हैं, बट ओके जिनका डी था दैट डी वाज राइट, बट ए इज इनकरेक्ट, बी इज इनकरेक्ट एंड सी इज इनकरेक्ट, ओके दैट्स फाइन। मैं एक और बड़ी अच्छी, अच्छा इसी में से मैं एक और प्रॉब्लम बनाता हूँ। अब मैं कोएफिशिएंट पूछता हूँ आपसे एक्स स्क्वायर जी का कोएफिशिएंट बताएं, बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है, जल्दी से एक्स स्क्वायर जी का जो है
मुझे, मैं ऑप्शन दे देता हूँ यहाँ पे, ए जो है ए ऑप्शन इज 3 एंड बी इज 4 एंड सी इज 3 is 3 and D is what we can say as none of these. अच्छा जी, बताएं इनमें से कौन सा सही है। मैं पूछ रहा हूं कि भाई आपके पास x squared y x squared z का coefficient क्या है, x squared z का coefficient क्या है। अच्छा जी, A B C and D में से कोई भी एक ऑप्शन दें। वेरी नाइस, अब तो समझा गया होगा, अब बताएं जल्दी से विच इज द करेक्ट आंसर और विच इज द करेक्ट ऑप्शन। हाँ जी बताएं। Wow, that's good. Okay, B. Wow, that's great. एक और ऑप्शन आया, एक ऑप्शन आया हमारे पास B का, very nice. यानी 4. और देखते हैं भाई क्या आता है। I think आपकी बार तुक्का मार नहीं मारा शायद। Okay, और बताएं क्या आंसर आएगा भाई, जल्दी से बताएं क्या ऑप्शन होगा A, B, C. एक ऑप्शन आया हमारे पास B का, means 4. एक और आंसर आया हमारे पास आई थिंक डी का। ओके, आई थिंक लकीर के फकीर बन गए शायद, चले देखते हैं सही है या गलत है, वो तो बाद में पता चले। ओके ओके, एक आंसर रहता है हमारे पास, एक आंसर रहता है। ओके आखिरी आंसर ले लें तो फिर बताता हूँ। ओके, व्हाट विल बी द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जी। नॉन ऑफ दिस मींस डी इज राइट ऑप्शन, ये आप कहना चाह रहे हैं, ठीक है। ओके, अगर दुक्का नहीं मारा तो फिर डी इज राइट ऑप्शन, ठीक है, डी इज राइट ऑप्शन, एब्सोल्युटली डी इज राइट ऑप्शन, ठीक है। तो अच्छा, वो कैसे, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कह रहा हूं एक्स स्क्वायर जी, अब देखें इसमें एक्स स्क्वायर जी तो नहीं है, इससे तो हम नहीं निकाल सकते, और ना ही एक्स स्क्वायर जी इसमें है, इसमें है जी स्क्वायर एक्स, ठीक है, हमें तो एक्स स्क्वायर जी का कोएफिशिएंट, तो बची बाकी आखिरी टर्म ये वाली, तो हम इसको ले लेते हैं। और ये टर्म कुछ आपके पास इस तरह से है, 3 एक्स स्क्वायर 3x squared zy. अब देखें अगर मैं इसमें से इसको पकड़ूं तो आपको कुछ इस तरह से होगा कि देखें भाई आपको पूछ रहा है x squared z का ना। ओके, सो यानी कि अब बाकी, अब यहां से हम क्या करेंगे, आपसे पूछ रहा है x squared z का कोएफिशिएंट ना, तो x squared z देखें ये मौजूद है आपके पास, x squared z को मैंने निकाल दिया, एक्स स्क्वायर जी को मैं पकड़ के निकाल दूंगा, जिसका आपसे पूछेगा उसको पकड़ के निकाल देना है कान पकड़ के, बाकी जो बचेगा उसको लिख देंगे यहां से, बाकी क्या बचा आपके पास, 3 बचा और दूसरा आपके पास वाई बचा, ठीक है। सो आपका 3x squared z का कोएफिशिएंट आपके पास 3y आ जाएगा, जो कि इसमें मौजूद नहीं है। सो डी इज राइट ऑप्शन, दैट इज वाई डी इज राइट ऑप्शन। सो आई होप कि आपको समझ आ गया है। अच्छा जी, अब मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ ना, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट डालता हूँ। अब वो कैसे, वो कैसे कर सकता हूँ मैं, इसमें ट्विस्ट कैसे डाल सकता हूँ मैं कहता हूँ वाओ दैट्स ग्रेट। मैं पूछता हूं कि भाई व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ जी, अच्छा जी का रहने दे, मैं एक अलग से प्रॉब्लम लिखता हूं और मैं उस प्रॉब्लम में आपसे पूछ लेता हूँ जी का कोएफिशिएंट।
मैं कहता हूं देर इज अ क्वेश्चन दैट थ्री एक्स स्क्वायर वाई जी प्लस फोर जी. ओके व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ जी. मैं आपसे पूछ रहा हूं जी का कोएफिशिएंट बताएं. जी का कोएफिशिएंट क्या होगा इस क्वेश्चन में. मैं आपसे जी का कोएफिशिएंट पूछ रहा हूं. ऑप्शन ए में दे देता हूं आप लोगों को भाई. ऑप्शन ए इज थ्री. मैं जी का कोएफिशिएंट पूछ रहा हूं याद रखिएगा. और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस पे ट्राई करेंगे सही आंसर देने की. इतना मुझे उम्मीद है क्योंकि आप लोगों ने पीछे अच्छा सा परफॉर्म किया है. उम्मीद है कि इसमें आप सही आंसर देंगी. ऑप्शन ए इज थ्री. ऑप्शन बी इज फोर. वेरी गुड. एंड ऑप्शन सी इज सेवन. एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दिस. नॉट तो हमारे पास हो गई होगा ऑप्शन हमेशा नन ऑफ दिस. और आप लोग अभी जाके डायरेक्ट जो है इसको आंसर देने की कोशिश करें. या तो मैं ऐसे कहता हूँ मैं ऐसे करता हूँ कि भाई सी इज सेवन. ओके सेवन ठीक है. लेकिन ठीक है डी इज नन ऑफ दिस. और ऊपर में कह देता हूं. अच्छा अभी अब की बार में थोड़ा सा ऐसे करता हूं कि अच्छा मैं कहता हूं थ्री टाइम्स. ऑप्शन ए इज थ्री टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई प्लस फोर. And option B is three times option B is three times x squared y plus 4 and option C is 3 and option option E is all of these. option E is all of these. हाँ जी अब है थोड़ा सा बड़े ही अच्छे किस्म का क्वेश्चन. बताएं कि मैं पूछता हूं कि भाई what is the coefficient of z. मुझे z का coefficient बताएं क्या होगा इस स्ट्रम में. z का coefficient क्या होगा बताएं. What is the coefficient of z in this expression? Options आपको दिए गए हैं A, B, C, D and E. अब आपने ये जो है decide करना है whether A is right or correct and B is correct, C is correct, D is correct or E is correct. So उम्मीद है अब तो आपका answer सही ही आएगा. बताएं. ओके एक ऑप्शन हमारे पास आ गया.
ओ ये तो ऑप्शन था ही नहीं भाई, ये तो ऑप्शन था ही नहीं तो आपने सेंड किया है, कोई और ऑप्शन है? हाँ कंफ्यूज तो है ही है, क्योंकि क्वेश्चंस में थोड़ा सा घुमा फिरा के दे रहा हूँ ताकि आपकी जो मेंटालिटी है वो थोड़ी सी ग्रो हो। और क्योंकि जाहिर है जब टेस्ट में जो बंदे बैठेंगे वो आम तो बंदे नहीं होंगे, वो जाहिर है टेस्ट में तो हजारों लाखों बंदे तकरीबन बैठ सकते हैं इस बार तो, ठीक है? तो उन्होंने सिलेक्ट तो बड़े चंद बच्चे करने हैं, तो वो जाहिर IBA भी जो है वो आम सा टेस्ट तो नहीं बनाएगी, वो थोड़ा सा घुमा फिरा के बनाएगी ताकि बच्चों को सेपरेट आउट कर दें। तो इसी के लिए मैंने ऐसे क्वेश्चंस बनाए हैं ताकि, हाँ ये तो है, ये तो होगा भाई, इसीलिए तो कहता हूँ ना दिस इज द राइट वे। इस तरह से इन प्रॉब्लम्स को अच्छे से स्टडी कीजिएगा, अगर जो जो प्रॉब्लम्स मैं दे रहा हूँ जिसको ये समझ आ गई ना, तो मैं कहता हूँ टेस्ट में किसी भी किस्म की प्रॉब्लम आ गई ना तो यू विल बी एबल टू पास दैट वन और आंसर दैट वन। अगर जितने में दे जो 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 प्रॉब्लम्स में यहाँ पे करा रहा हूँ, तो अगर आपको ये अच्छे से समझ आ गए, क्योंकि एक बंदे को अगर ट्रक चलाना आ जाए, अगर किसी बंदे को ट्रक चलाना आ जाए तो उसके सामने जब साइकिल खड़ी की जाती है ना, तो ही इज वेरी एबल टू राइड ऑन दी बाइक ऑन दी साइकिल ना। जिस बंदे को ट्रक चलाना आता है साइकिल चलाना उसके लिए कोई मसला नहीं होता। तो मैं भी इसीलिए थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन बना रहा हूँ, जिसको ये समझ आ गए तो इजी, तो उसके लिए कोई मसला ही नहीं होगा। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इनमें नमक और मिर्ची डाल रहा हूँ ताकि आप अच्छे से जो है समझें। डी ओके ये भी सही है, अब देखते हैं दुक्का है या फिर आई थिंक यू थिंक ओके, अगर बाकी आप सोचते हैं ऐसा तो देख लेते हैं। ओके अगला ऑप्शन देखें या मैं बता दूं, एक और ट्राई करके देखें, थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें। पीछे जो मैंने प्रॉब्लम्स कराई हैं उन्हीं से रिलेटेड है, ये भी याद रखिएगा। ओके हाँ डी डी तो वही वो लकीर के फकीर वाला काम है ना, यानी पीछे सब में डी था तो आपने सोचा इस बार भी डी होगा, हो सकता है सी। ओके चले मैं बता देता हूँ, बाकी इन प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझिएगा देखिएगा। तो अगर मैं इसके कोएफिशिएंट की बात करूं, ये प्रॉब्लम बड़ी ही जबरदस्त प्रॉब्लम है। अब देखें इन दोनों में एक ही चीज कॉमन है और वो है आपके पास जी, तीनों में एक ही चीज कॉमन है, दोनों में एक ही चीज कॉमन है दैट इज जी। अगर मैं जी को बाहर निकाल दूं, क्योंकि वेरिएबल हमने सिर्फ जी के मुताबिक देखना है ना, तो अगर मैं जैसे ही मैं जी को बाहर निकालता हूं तो मेरे पास बाकी जो बचेगा वो बचेगा 3x squared। देखें यहां से जी निकल गया तो क्या बचेगा, 3x squared, और जी तो निकल गया है, बाकी क्या बचेगा, वाई बचेगा प्लस, इसमें से देखें Z निकल गया तो बाकी क्या बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है? यानी अब आपके पास कुछ इस तरह से बचा कि यानी Z बाहर चला गया और ये सारा का सारा क्या बच गया, अलग से बच गया। जो कॉमन बच जाता है उसको बाहर निकाल देते हैं, यानी जो वेरिएबल होता है उसको हम, जिसके लिए कह रहा होता है कि इसका कोएफिशिएंट बताए, उसको हम अलग निकाल देते हैं, तो मैं इसको मिटा देता हूं, बाकी जो बचेगा आपके पास वो कोएफिशिएंट कहलाएगा। तो बाकी क्या बचा आपके पास, 3x² y + 4। इस प्रॉब्लम में इसका ऑप्शन ए देखें, ऑप्शन ए क्या कहता है, 3 × x² y + 4, यानी 3x3 मल्टीप्लाई हो रहा है और इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, जबकि आप इस आंसर में देखें 3 सिर्फ और सिर्फ x² और y से मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 अलग से है। अब यहाँ पे देखें बी ऑप्शन में 3 जो है सिर्फ x² और y से मल्टीप्लाई हो रहा है, बाकी 4 अलग है, तो इसमें भी क्या है, 4 अलग है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी बी, दैट विल बी बी, और ए जो है वो इनकरेक्ट है, सी भी जो है वो इनकरेक्ट है, डी जो है वो भी इनकरेक्ट है, और ई जो है वो भी इनकरेक्ट है, ठीक है? तो आपके पास जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी बी, दैट विल बी बी। सो दैट वाज वेरी नाइस प्रॉब्लम एंड वेरी इजी। तो इस तरह से आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, दे आर वेरी इजी। देखें क्या मसला था, इसमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ जिसको जिसके बारे में पूछ रहा था आपने उसको पकड़ के बाहर निकालना है, कान से पकड़ के, देखें मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने जिसके बारे में पूछ रहा था मैंने उसको पकड़ के बाहर निकाला है, ये देखें दोनों को पकड़ के मैंने बाहर रख दिया और जो जो बचा मैंने उसको लिख दिया,
बस इतनी सी बात थी। एक और प्रॉब्लम देता हूं मैं यहाँ पे। मैं कहता हूं 2xyz + 3yz² सो 2xyz + 3yz². अब मैं कहता हूं इनमें से कौन सा सही है, मैं ऑप्शन ए दे देता हूं आपको। ऑप्शन ए इज, सॉरी मुझे कोएफिशिएंट चाहिए, मुझे कोएफिशिएंट चाहिए किसका, वाई का, मुझे वाई का कोएफिशिएंट चाहिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में मैं दे देता हूं 2xz + 3z² okay, then option B is, okay, option B में क्या देता हूँ, okay, so option B में क्या देता हूँ, 2 times x times z, अब ये z है आपके पास, plus 3 times z, okay, and option C जो है आपके पास, that is both नहीं, ऑप्शन सी जो है आपके पास 2 z x 2 x + 3 z. ठीक है, और मैं कहता हूं ऑप्शन डी इज, ऑप्शन डी इज ऑप्शन डी इज नन ऑफ दिस। ऑप्शन ए इज ऑल ऑफ दिस। अच्छा ऐसे नहीं कह सकते, हाँ मैं ऐसे कह दूं, चले ऑल ऑफ दिस ये सही रहेगा आई थिंक, ऑल ऑफ दिस। अच्छा बताएं कौन सा इनमें से सही है,
इनमें से कौन सा सही है। यानी मैंने y का कोएफिशिएंट पूछा है आपसे 2xyz plus 3yz squared में से, y का कोएफिशिएंट बताएं। ओके ए ऑप्शन ए, ए का आया है आंसर। ओके दैट्स फाइन ऑप्शन ए। ओके चलें भाई, यानी आपके दो आंसर आ गए। ओके वेरी गुड, अब देखते हैं सही है या गलत, इसको हम नोटिफाई करेंगे अभी। ठीक है ओके, अगर मैं इसकी बात करूं तो इन दोनों में से देखें आपके पास y निकल जाएगा, y y का पूछ रहा है तो इसमें से भी y को पकड़ के निकाल दें कान से, और इसको भी कान से पकड़ के निकाल देंगे, तो बाकी आपके पास क्या बचेगा 2x, मैं यहां पे लिख देता हूं 2x, 2xz, 2xz plus 3z squared। ओके यहां तक तो आपका आंसर सही है, यहां तक तो आपने कहा है कि a is correct। अब देखते हैं क्या मैं x को ऐसे नहीं लिख सकता, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, x के साथ, और x मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, z के साथ। मैंने कौन सा गुना किया है, मैंने सिर्फ ब्रैकेट ही तो लगाई है b में, दूसरे ऑप्शन में मैंने क्या किया है, ब्रैकेट ही तो लगाई है ना, कोई गलत बुरा तो नहीं किया बेचारे का। और इसको मैं क्या कर दूं 3 को, अगर z से z को मल्टीप्लाई करेंगे तो z स्क्वायर्ड होता है ना, अगर z को z से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको z स्क्वायर्ड मिलता है। ठीक है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, इसी आंसर को, इसी आंसर को देखिए, मैंने 2 को सेम लिखा, x को ब्रैकेट लगा दी बस, और z को भी ब्रैकेट लगा दी, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस 3 को मैंने सेम लिखा और z स्क्वायर को मैंने तोड़ के रख दिया z और z में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तीसरा ऑप्शन क्या है आपके पास, मैंने क्या किया इन तीनों में से, इन दोनों में से z को कॉमन ले लिया, अगर तीनों में से z को कॉमन ले लूं तो आपके पास क्या बचेगा, यहां से z निकलेगा तो पीछे 2x बचेगा, प्लस अगर मैं इसमें से एक z निकाल दूं तो पीछे क्या बचेगा 3z बचेगा। आप देखें, अरे ये क्या हो गया सर, आपने तो फिर जाल बिछा दिया। ओके दैट्स अ गुड, अब क्या बताएं क्या ऑप्शन होगा, अब बताएं कौन सा सही रहेगा, अब क्या आंसर होना चाहिए इसका। वेरी गुड, अब जी होगा, अच्छा दैट्स फाइन। ठीक है तो यानी डी विल बी द राइट आंसर एब्सोल्युटली। ठीक है तो हम इसको यानी डी करें, क्यों, क्योंकि आपके पास ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है ऑल ऑफ दीज का जो है ऑप्शन है, दैट इज व्हाई वी विल से दैट ऑल आर करेक्ट। ठीक है सो ये तो था आपका यानी सिंपली जो है इसको फाइंड आउट करने का। ठीक है अब मैं एक जो है इसको इस तरह से हम कह सकते हैं। ठीक है अगर हम इसको देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह से आप कुछ भी जितनी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आपके कोएफिशिएंट्स की, ठीक है इनको थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा और एक्सरसाइज कीजिए ताकि आपका जो है यानी जो एग्जाम है उसमें जो है इजीली आप जो है आंसर्स को जो है वो सॉल्व कर सकें। ठीक है अब मैं एक और ले लेता हूँ, ठीक है एक और प्रॉब्लम मैं यहाँ से ले लेता हूँ, दैट इज हाँ ओके ये मैं प्रॉब्लम जो है अपने नोट्स में से यहाँ से ले लेता हूँ, मिसाल के तौर ओके मैं यहाँ पे रख देता हूँ। अच्छा एक और बड़ी प्यारी प्रॉब्लम है। ओके द फैक्टर्स ऑफ द टर्म माइनस एक्स वाई स्क्वेयर्ड, द फैक्टर्स ऑफ द टर्म माइनस एक्स वाई स्क्वेयर्ड आर, ठीक है ये एक्स स्क्वायर है, ये टू एक्स वाई टू नहीं है बल्कि एक्स स्क्वायर्ड है, इसके हमें फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। मैं ऑप्शन दे देता हूं, ऑप्शन ए इसके फैक्टर्स फाइंड करने, फैक्टर्स से आपको पता होगा फैक्टर्स से मुराद ये है, मैंने आपको नंबर्स के फैक्टर्स समझाए थे कि जब इनको आप तोड़ें तो दोबारा वही बन जाए, जब आप इसको दोबारा जोड़ें इनको तोड़ना ताकि दोबारा वही बन जाए। ठीक है फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ इसको, मैं हम डेप्थ में दोबारा से भी पढ़ेंगे अगले लेक्चर्स में, बट फिलहाल एक क्वेश्चन आ गया है तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते ताकि समझा जाए। मैं ऑप्शन ए कह देता हूँ माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई,
ऑप्शन बी माइनस वन टाइम्स एक्स टाइम्स वाई. ऑप्शन सी इज माइनस ठीक है वाई टाइम्स एक्स टाइम्स वाई एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दिस. ऑप्शन डी इज नन ऑफ दिस. हाँ जी बताएं कौन सा ये नन ऑफ दिस का भी जो है ना आप जान अब बोलेंगे जान नहीं छोड़ता नन ऑफ दिस हमारी. अच्छा बताएं कि इनमें से कौन सा एग्जैक्ट होगा कौन सा करेक्ट होगा. विच इज द करेक्ट ऑप्शन. मैं कहता हूँ द फैक्टर्स ऑफ द टर्म माइनस एक्स वाई स्क्वायर और ये याद रखिए माइनस एक्स वाई स्क्वायर है ना कि टू. हाँ जी बताएं. ओके एक ऑप्शन हमारे पास आया है सी यानी माइनस वाई टाइम्स एक्स टाइम्स वाई. ओके और देखते हैं क्या था. एक ऑप्शन तो हमारे पास सी का आ गया. ठीक है भाई. ओके सी सी का ऑप्शन आया है. डी एक ऑप्शन है हमारे पास डी का. ओके भाई डी वाले ने दुक्का तो नहीं मारा डी वाले. आई थिंक ओके डी इज करेक्ट ऑप्शन. एब्सोल्युटली डी इज करेक्ट ऑप्शन. ठीक है वेरी गुड. लेकिन अच्छा नो डी इज नॉट करेक्ट. मैं इसको एज अ बी सी क्यू कहूँ अगर. ठीक है ठीक है. तो अच्छा मैं ऐसे कहता हूँ मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ. अब बताएं अब क्या होगा. अच्छा ना होती. अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैंने अगर सी में चेंजिंग की है तो सी करेक्ट हो जाएगा. भाई सी में चेंजिंग करने का मकसद ये थोड़ी होता है सी सही हो जाएगा. अच्छा हाँ डी. ओके डी इज करेक्ट ऑप्शन. एब्सोल्युटली डी इज करेक्ट. ठीक है सो पहले जो आपके पास सी सही था ठीक है और डी वॉज इनकरेक्ट. ठीक है लेकिन अब जो है आपके पास डी करेक्ट है. ठीक है वो कैसे. आपको फैक्टर्स निकालने हैं यानी आप इसको अगर माइनस एक्स वाई स्क्वायर को तोड़ेंगे तो आप माइनस तो साथ रखेंगे एक्स को एक बार रखेंगे मल्टीप्लाई बाय वाई को तोड़ेंगे तो वाई दो में टूट जाएगा यानी वाई टाइम्स वाई वाई टाइम्स वाई. तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा. ठीक है आप फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस वाई टाइम्स एक्स टाइम्स वाई. ये भी सही होगा आपके पास. और इसको दूसरा लिखने का तरीका ये भी है क्योंकि वन सबका फैक्टर होता है तो ये भी आपके पास हो सकता है माइनस वन टाइम्स एक्स टाइम्स वाई टाइम्स वाई. तो ये आपके पास यानी अगर इसकी बात करें तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन हो जाए. ठीक है सो दिस वन विल बी द करेक्ट ऑप्शन. तो एब्सोल्युटली इन तीनों में से ये तीनों सही है आपके पास. अगर इन तीनों में से कोई भी आ जाए तो सही था.
सो इनमें कोई ऐसा नहीं है, तो दैट इज वाई आर डी इज राइट ऑप्शन. सो पहले आपके पास सी सही था, लेकिन मैं एक जो इम्पोर्टेंट चेंज थी वो करना भूल गया था, सो दैट इज वाई मैंने उसमें चेंजिंग की थी. सो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं इंशाल्लाह. अगले लेक्चर में हम आगे की तरफ भी बढ़ेंगे, आगे भी बड़े अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स हैं और जो आपके जो है उसको भी हम इंशाल्लाह बात करेंगे इंशाल्लाह आगे. और यहीं तक इसको रखते हैं इंशाल्लाह आज के लेक्चर को. और अगर कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो यू कैन रेज योर हैंड, अदरवाइज दैट्स आवर लेक्चर फॉर टुडे. कोई क्यूरी है तो यू कैन आस्क, अदरवाइज हम आज का लेक्चर यहीं तक एंड करते हैं. ओके दैट्स फाइन. अच्छा कोई है क्यूरी? ओके दैट्स फाइन, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच. आज का लेक्चर हम यहाँ तक वाइंड अप करते हैं इंशाल्लाह, और फिर कल के लेक्चर में इंशाल्लाह हम प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ. ओके गुड लक, अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज़.